हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे थंबनेल पे लिखा हुआ है मैं इन्वेस्टमेंट इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करूं। जी फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा कमाते रहेंगे इस इंट्राडे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट से। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक अच्छा शेयर छांटिए जो कि डाउनफॉल लेवल पर हो, जिसमें कि आपको लगे कि हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद में शेयर का ज़ीरो होना नामुमकिन सा हो। फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिनमें कि मैं इन्वेस्टमेंट इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण के लिए एक शेयर आपको बताता हूं या दो शेयर आपको बताता हूं, जैसे कि यूनियन बैंक और पीएनबी बैंक। ये दोनों ही शेयर बिलो रुपीज़ जब 35 लेवल पे थे, आज के एक साल डेढ़ साल पौने दो साल पहले, मतलब कि मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता पा रहा हूं आपको, लेकिन इनका लेवल्स बिलो रुपीज़ 35 था दोनों ही शेयर्स का, आप लोग भी जानते होंगे। अब जिनमें मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग भी करनी हो और लॉन्ग टर्म तक के लिए मुझे अपने शेयर्स 1000 मिनिमम रखने भी हैं, तो मैं उनमें 2500 शेयर ख़रीदता हूँ हमेशा। कितने शेयर? 2500 शेयर। फ्रेंड्स, हम पीएनबी को लेकर के चलते हैं। पीएनबी 3400 रुपये मैंने 2500 शेयर ख़रीदे थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए मैंने 2500 शेयर खरीद लिए, 500 शेयर का मैं बैकअप रखूँगा, 500 शेयर का मैं बैकअप रखूँगा, क्योंकि बहुत डाउनफॉल में मैंने खरीदे और इससे ज़्यादा डाउनफॉल जाना मुश्किल होता है, और अगर जाएगा भी तो आपके पास बैकअप रहेगा, बैकअप इन्वेस्टमेंट का वापस से इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करके कमाने के लिए। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। अब मान लीजिए 3400 रुपये मैंने 2500 शेयर खरीद लिए और ये शेयर गया 3800 रुपये, 4400 रुपये, 4400 रुपये, 4200 रुपये तक। आपने पिछले एक डेढ़ साल के ट्रैक में देखा होगा कि ये पीएनबी शेयर 4400 रुपये तक भी आया, 4800 रुपये तक भी आया, फिर वापस डाउनफॉल पर चला गया, फिर वापस 30 के लेवल से भी नीचे चला गया था। तो इंटरनेट ट्रेडिंग कैसे होती है, मैंने इसमें किस तरह से इंटरनेट ट्रेडिंग करी और आज भी करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे। कि जब मैंने खरीदे थे तो 3400 रुपये पर लिए, फिर जैसे ही ये 3800 रुपये हुआ, मैंने 100 शेयर बेच दिए, ठीक है फ्रेंड। फिर ये 4200 रुपये हुआ, फिर मैंने अपने 100 शेयर बेच दिए। फिर ये वापस 4600 रुपये हुआ, मैंने अपने 100 शेयर और बेचे। फिर वापस ये डाउनफॉल पर आया, फिर वापस इसमें डाउनफॉल आया। जैसे जैसे डाउनफॉल पे आया, उसी पे ही मैंने वापस से क्या करा, बाइंग करना शुरू करा। लेकिन मैंने 4600 रुपये में लास्ट इसको बेचा था, तो 4600 पे जब ये डाउनफॉल पे था मैंने नहीं खरीदा, जब ये 4200 पे आया तो मैंने फिर 100 शेयर वापस खरीद लिए। फिर ये वापस से 3800 पे आया, फिर मैंने 100 शेयर खरीद लिए। फिर वापस से ये 3400 पे आया, तब मैंने वापस नहीं ख़रीदा, क्योंकि मैंने कुछ शेयर्स बेचे और कुछ शेयर खरीदे। अब मेरे पास और शेयर ख़रीदने के लिए थोड़ा सा बैकअप है। कैसे? क्योंकि मैंने 4 बार बेच दिए थे 400 शेयर और खरीदे तो 3 बार ही खरीदे, अभी 100 शेयर का बैकअप है। 34 पे मैं नहीं लूँगा। अब ये डाउन गया 30 पे, 30 से भी नीचे लगा, तो मैंने फिर शेयर खरीदे 100। अगर ये 25 तक चला जाता ना फ्रेंड्स, तो मेरे पास 500 शेयर का बैकअप था, यानी कि मुझे 500 शेयर और लेने थे, क्योंकि 3000 शेयर मैं रखता हूँ जिनमें भी इंट्राडे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, और प्लस मुझे फ्यूचर में 1000 शेयर, तो कम से कम इतना स्टॉक तो आगे लेकर के जाना ही है। तो फ्रेंड्स, ये गया ही नहीं 25 तक जब मैंने ख़रीदा उसके बाद, नहीं तो मैं 500 शेयर और लेता, और आज भी नहीं ली मैंने। मेरे पास 2500 का ही स्टॉक के हिसाब से मैंने इसको परचेज़ किया था, और वापस से और 500 शेयर नहीं खरीदे। लेकिन हाँ, इंटर डे के हिसाब से फिर मैंने 30 रुपये पे 100 और ले लिए। फिर वापस ये 34 आए, मैंने फिर 100 वापस से बेच लिए जो 30 पे लिए थे। फिर वापस 38 गया, फिर बेच दिए। फिर 42 गया, फिर बेच दिए। फिर 46 गया, फिर बेच दिए, सॉरी 48 पे। और फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, ये वापस से 55 गया, फिर मैंने 55 बेचे। फिर 60 गया, मैंने 60 बेचे। फिर 60 से ऊपर 61-62, फिर मैंने इसको नहीं बेचा। अब वापस से देखिए मार्केट डाउन आ रहा है, अब मैं वापस से जब भी बिलो, अभी 60 से आ गया था, मतलब कि ये बिलो 55 से नीचे आ गया था, तो मैंने 58 पे फिर लिया। मतलब एक दड़ा मैं छोड़ दूंगा जो लास्ट वाला जिससे मैंने बेचा, क्योंकि उससे अब एक दड़ा डाउन जाएगा तो मैं खरीदूंगा। तो फ्रेंड्स, क्या होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, मैं ऐसे ही करके 100-100 बेचता रहूँगा, 5-5 रुपये के डिफरेंस पे, 4-4 रुपये के डिफरेंस पे, 3-3 रुपये के डिफरेंस पे, और वापस से एक दरा छोड़ करके वापस से 3-3, 4-4, 5-5, एक स्ट्रेटेजी है मेरी ये। इस तरह से मैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद बेचता भी रहता हूँ और ख़रीदता भी रहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका 2.40 चला ही 38 ही हुआ, तो 38 भी बेच दिया, फिर वापस आ गया, कोई बात नहीं, आपकी बाइंग प्राइस के आसपास अगर, तो भी कोई बात नहीं, वो डाउनफॉल गया, फिर आपने 100 ले ली, जो 38 से बेचे तो वो 100 आपने अपनी बाइंग लेवल से नीचे ली, जैसे 34 पे ली तो उसके बाद डाउनफॉल पे ली मैंने, और ऊपर गया तो मैंने 3 दड़े बेच दिए। लेकिन जब वापस डाउन आना शुरू हुआ तो एक दड़ा जहाँ लास्ट बेचा उस पर नहीं लिए मैंने, उसके नीचे वाला और दड़े पर जब ये डाउनफॉल पे आया, क्योंकि शेयर की मर्जी, ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, मैं हर तरह से फ़ायदे में रहूँगा, चाहे शेयर कहीं पर भी जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं क्या करता हूँ, ये शेयर और ऊपर जाता जाएगा, मान लीजिए 100 के आसपास
आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका ऐसा भी कोई टाइम होगा ये 100-100 करके शेयर बिकते चलेंगे, फिर आपके स्टॉक नहीं रहेगा। फ्रेंड्स 1500 के आसपास जो शेयर मेरे पास होंगे वो मैं 100-100 करके बेचता जाऊँगा, मेरी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और मेरा जो स्टॉक का जो माल लगा हुआ जो पैसा था वो ही निकल जाएगा। फिर मैं 1000 शेयर लेके सेटल रहूँगा कि जब ये शेयर 150 या 200 के आसपास चलाएगा फिर मैं वहाँ पर बेच लूँगा और फिर मैं वापस से दूसरा माल पकड़ लूँगा डाउनफॉल की तरफ, जो कि वापस से 2500 या 3000 शेयर का मेरा वही बैकअप ले करके। और इस तरह से मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ। ऐसे कई शेयर से मेरे पास जिनमें कि इन्वेस्टमेंट मैं करता रहता हूँ और बैकअप रखता हूँ। हाँ, जिनमें से मैं 1000 शेयर ही खरीदता हूँ उनमें फ्रेंड्स मैं लॉन्ग टर्म तक के लिए खरीदता हूँ, उनमें मैं इंटरडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। लेकिन मैं कुछ शेयर्स ऐसे भी रखता हूँ जो कि मजबूत स्थिति के होते हैं, जो कि जीरो होना नामुमकिन से होते हैं, उनमें मैं हमेशा इंटरडे ट्रेडिंग करने के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म तक के हिसाब से भी मैं शेयर्स बना करके रखता हूँ जब वो डाउनफॉल पर होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई हमारी। क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट इंट्राडे ट्रेडिंग। आप भी ऐसा करा कीजिए, आप भी 1000, 1500, 2000 शेयर किसी एक अच्छे शेयर में खरीद लीजिए पैसा लगा करके, क्योंकि आप इंट्राडे करेंगे तब तो मान लीजिए आपको उस दिन बेचना ही, चाहे शेयर ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन गेम आपके हाथ में हो, इन्वेस्टमेंट पैटर्न आपके हाथ में हो और शेयर ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, आप दोनों तरह से ही प्रॉफिट में रहेंगे। आप कोई भी एक शेयर खरीद लीजिए, उसमें 2500 की क्वांटिटी, 2000 की क्वांटिटी, आप चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई 1000 की क्वांटिटी मेरी जैसे आगे लेकर जाएँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से करना है तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मैंने बताई है आपको किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग आप किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद वापस इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे शेयर ऊपर जाए और चाहे नीचे जाए, आप दोनों ही तरह से फ़ायदे में रहेंगे। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये मेरी स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। प्लानिंग आपको अपने आप करनी है कि सर आपसे 2-2 रुपये की डिफरेंस है, 4-4 रुपये की डिफरेंस है, 5-5 रुपये की डिफरेंस है, 10-10 रुपये डिफरेंस है, कैसे आपको बेचनी है आप जाने, आपका काम जाने, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी फॉलो करें। क्योंकि मेरे पास जब क्वांटिटी कम होती है तो मैं डिफरेंस और ले लेता हूँ, शेयर तेज भगते तो डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ, मैं मेरे हिसाब से हर चीज़ को कर लेता हूँ, लेकिन खरीद भी लेता हूँ बेच भी लेता हूँ और मेरे पास उतने पैसे बने हुए भी रहते हैं मेरे जो भी अकाउंट है जहाँ पे मैं मेरा क्या बोलते हैं फंड बैलेंस होता है वहाँ पे। मैं इस फंड को बार बार नहीं निकालता हूँ, मैं मंथली निकाल लेता हूँ जब मेरे पास एक अच्छा पैसा रिटर्न के हिसाब से बनने लगता है। और अगर जब तक शेयर ऊपर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, अगर 10 दिन बाद भी चल आ गई तो एक बार बेच दूंगा, 10 दिन बाद भी चल मार्केट डाउन आ गई फिर वापस खरीद लूँगा। तो हर तरह से शॉर्ट मेरे हाथ में रहता है जब मैं इन्वेस्टमेंट इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको मेरा समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, बन रही है मेरे चैनल पर, व्यूज़ लेते रहिए, जानकारी हासिल करते रहिए कि मैं किस तरह से शेयर मार्केट में काम करता हूँ और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना करके इन्वेस्टमेंट करके इनकम जनरेट करता हूँ। सब्सक्राइबर की फैमिली बढ़ाते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपसे बात करता रहूँ, वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।